एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसने ऑडियंस के दिलों पर किया राज, लेकिन उनके हिस्से आई सिर्फ ट्रेजिक लव स्टोरी। वो एक्ट्रेस जिसे मिला दर्शकों का ढेर सारा प्यार, लेकिन नसीब में आई मिस्टीरियस डेथ। वेल, बात हो रही है बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से एक, परवीन बाबी की, जिनकी डेथ एनिवर्सरी पर परवीन के चाहने वाले अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को शिद्दत से कर रहे हैं याद। और इस स्टोरी में आगे आप देखेंगे वो सभी यादें जो परवीन बाबी से जुड़ी हैं, और उनका जिक्र होते ही याद आ जाते हैं ये किस्से। 4 अप्रैल 1954 में जूनागढ़ में जन्मी परवीन बाबी जब सिर्फ 10 साल की थी, तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी। और 1972 यानी कि 1972 में परवीन बाबी ने मॉडलिंग से अपना करियर स्टार्ट किया और जल्द ही फिल्मों में आ गई। 1973 में चरित्र से परवीन ने किया बॉलीवुड डेब्यू, और फिर अमिताभ बच्चन स्टारर दीवार, काला पत्थर, कालिया और नमक हलाल जैसी फिल्मों से परवीन बन गई लाखों दिलों की धड़कन। इस पॉपुलैरिटी के बीच परवीन बाबी की ट्रेजिक लव स्टोरीज भी बॉलीवुड गॉसिप का हिस्सा बनी रही। डैनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ परवीन बाबी रिलेशनशिप में रही। हालांकि खबरें ये भी थी कि अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी भी रिलेशनशिप में रहे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी भी परवीन से रिलेशनशिप की बात एक्सेप्ट नहीं की। अमिताभ बच्चन के अलावा डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट ने न सिर्फ परवीन से उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया, बल्कि कई इंटरव्यूज में इन स्टार्स ने परवीन बाबी से उनके रिश्तों की कहानियां भी सुनाई। महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे परवीन बाबी को लगता था कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। बाद में परवीन की कंप्लेंट के बाद मामला कोर्ट तक गया और अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट मिल गई और परवीन बाबी को स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ। और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन सहित 34 और लोगों के खिलाफ परवीन ने FIR की थी। परवीन बाबी की मिस्टीरियस डेथ भी है एक पहेली। रिपोर्ट्स की माने तो जब परवीन बाबी की डेथ का पता चला तो 3 दिन से उनके घर के बाहर मिल्क पैकेट्स और न्यूज़पेपर्स पड़े मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे परवीन बाबी की डेथ की मिस्ट्री सुलझ सके। कुल मिलाकर 4 अप्रैल 1954 को जन्मा बॉलीवुड का एक चमचमाता सितारा 20 जनवरी 2005 को हमेशा हमेशा के लिए चला गया।